पुर भुवस्वः तत्सवितुर्वरेणियं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् योग साधना आत्म स्वरूप को अनुभव करने का सरल विज्ञान है हरिओम बच्चों हमारा आज का विषय है सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार में ट्वेल्व स्टेप्स होते हैं जो कि सूर्य नमस्कार का आधा चक्र माना जाता है जब हम इसे दोबारे बारह स्टेप करेंगे तो ये पूर्ण एक चक्र सूर्य नमस्कार का माना जाता है फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रणाम आसन दोनों पैरों को मिलाएंगे दोनों हाथों को रखेंगे प्रणाम मुद्रा में डीप इन्ेल करेंगे इन्हेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और जितना हो सके पीछे की ओर लेकर जाएं। थर्ड स्टेप है पादहस्त आसन श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे दोनों हाथों की हथेलियाँ पैरों के बगल में रखने का प्रयास करें अब थोड़ी देर इसी स्थिति में रहेंगे फोर्थ स्टेप है अश्व संचालन आसन श्वास लेते हुए पादस्थ आसन के बाद दोनों घुटनों को मोड़ें और सामने की ओर देखें आप दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। अब ऊपर की ओर देखने का प्रयास करें दाएं घुटने को ज़मीन में लगाएं और बायां पैर दोनों हाथों के बीच में रहेगा फिफ्थ स्टेप है पर्वत आसन श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन बनाएंगे दाएं पैर को सीधा करेंगे उसके बाद बाएं पैर को भी पीछे ले जाएंगे दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे अब दोनों हाथों और पैरों को सीधा रखें और इसी स्थिति में थोड़ी देर रुकें सिक्स स्टेप है अष्टांग नमस्कार आसन श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ेंगे शरीर को जमीन की तरफ इस प्रकार झुकाएं कि दोनों पैर दोनों घुटने छाती दोनों हाथों के पंजे और ठुड्डी जमीन का स्पर्श करें और पेट जमीन से थोड़ा ऊपर उठे रहे सेवन्थ स्टेप है भुजंग आसन श्वास लेते हुए हाथों को सीधा करेंगे और शरीर के अगले हिस्से सिर छाती और कमर तक के भाग को ऊपर उठाते हुए सिर तथा गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं। एट स्टेप है पर्वत आसन यह फिफ्थ स्टेप का रिपीट पोज है श्वास बाहर छोड़ते हुए हिप्स को ऊपर उठा लेंगे शरीर के भार को हाथों व पैरों में रखेंगे तथा सिर को नीचे की तरफ जमीन में लगाने का प्रयास करेंगे नाइन्थ स्टेप है अश्व संचालन आसन यह फोर्थ स्टेप का रिपीट पोज है श्वास लेते हुए अब अपने बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे और दाएं पैर का घुटना जमीन पर रखते हुए ऊपर देखने की कोशिश करेंगे टेंथ स्टेप है पादहस्त आसन श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को अपने हाथों के बीच में रखते हुए घुटने सीधे करें और माथे को अपने घुटने पर लगाने का प्रयास करें यह थर्ड स्टेप का रिपीट पोज है एलेवेंथ स्टेप है हस्त उत्थान आसन श्वास लेते हुए झुके हुए शरीर को ऊपर उठाएं और दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं और फिर पीछे की ओर कमर को मोड़ते हुए दोनों हाथों को भी पीछे की ओर लेकर जाएं। यह सेकंड स्टेप का रिपीट पोज है यह सूर्य नमस्कार का ट्वेल्व स्टेप है प्रणाम आसन स्वास छोड़ते हुए ऊपर उठें दोनों हाथों से प्रार्थना की मुद्रा बनाएं और पैरों के पंजों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं पूरे शरीर को शिथिल कर दें यह फर्स्ट स्टेप का रिपीट पोज है बच्चों यह सूर्य नमस्कार की आधी आवर्ती है इसमें हमने फोर्थ स्टेप और नाइन्थ स्टेप में राइट right लेग को पीछे किया था और अब पूरी आवर्ती करने के लिए फोर्थ और नाइन्थ स्टेप में लेफ्ट लेग को पीछे करेंगे इस प्रकार कुल चौबीस आसनों के समूह को एक आवर्ती यानी एक चक्र कहते हैं सूर्य नमस्कार के लाभ सूर्य नमस्कार के अभ्यास से सारे शरीर का व्यायाम हो जाता है सूर्य नमस्कार समस्त बीमारियों का नाश करता है सूर्य नमस्कार हृदय फेफड़े तथा पाचन तंत्र संबंधित रोगों में लाभकारी है रक्त संचार में सुधार लाता है तथा मेरुदंड को लचीला बनाता है तंत्रिका तंत्र में संतुलन लाता है सावधानियाँ उच्च रक्तचाप हृदय रोग व हरनिया आदि रोगों में सूर्य नमस्कार का अभ्यास ना करें पीठ दर्द की समस्या में आगे की ओर ना ओम यजा यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वाकमिव बंधनाथ मृत्युमोक्षी यमामृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम, ओम बच्चो धन्यवादः